जबलपुर में वेटनरी छात्रों और सांसद राकेश सिंह के भतीजे के विवाद और मारपीट को लेकर एनएसयूआई छात्र संगठन ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। एनएसयूआई छात्र संगठन का कहना है कि बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं ने वेटनरी छात्रों के साथ मारपीट की है, लेकिन बीजेपी नेताओं पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई पुलिस प्रशासन ने नहीं की। बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं पर छात्रों से की गई मारपीट मामले में एफआईआर दर्ज होना चाहिए। इसके साथ ही बिना लाइसेंस के गाड़ी चलने पर सांसद राकेश सिंह के भतीजे पर भी मामला दर्ज होना चाहिए। गाड़ी की टक्कर लगने के बाद ही विवाद हुआ था। बात को लेकर एक छोटा सा झगड़ा हुआ था, लेकिन मामले को इतना बढ़ाया गया कि कुछ बीजेपी नेता, कुछ पार्षद और युवा मोर्चा के कुछ साथियों के द्वारा वहां पर घुस के हॉस्टल के अंदर तोड़फोड़ मचाई गई, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस ने वहां पर आई और बीजेपी की शिकायत पर 80 छात्रों को और 20 शिक्षकों को उठाकर ले गए, रात भर थाने में रखे रहे और उनके ऊपर संगीन मामलों के तहत कार्रवाई की गई, यहाँ तक कि अपहरण की धारा भी लगाई गई। लेकिन छात्रों की शिकायत पर आज तक बीजेपी के एक कार्यकर्ता पे भी कोई भी मामला दर्ज नहीं हुआ है। बीजेपी के उस दिन शामिल सभी नेताओं पे 353 के सरकारी संपत्ति नुकसान के तहत धारा के तहत मामला कायम होना चाहिए। अभी एनएसयूआई ने यह ज्ञापन दिया है कि जो वेटनरी स्टूडेंट्स हैं उनकी भी जो है समस्याओं को सुना जाए, उनकी भी जो भी कंप्लेंट्स हैं उन पर जो है कार्रवाई की जाए, एवं जो सेक्शंस हैं जो लगाए गए हैं वेटनरी कॉलेज के स्टूडेंट्स पे उन पर जो है विचार किया जाए। यह मामला भी विचाराधीन है, इन्वेस्टिगेशन में है, सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। अगर कोई भी आवेदन वेटनरी स्टूडेंट्स की तरफ से भी आती है तो उन सभी पे जो है जांच उपरांत जो है उचित विधान।